अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट। लेट्स ओपन पेज नंबर 139। प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल इक्वेशंस। अगर हमें इस तरह के फॉर्म में रिटन क्वेश्चन दे दिया जाए, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन गिवन था उसको सॉल्व करना सीखा था। अब हमें इक्वेशन की फॉर्म बनानी होगी खुद से। हमें क्वेश्चन गिवन होगा, उसे हमने क्वेश्चन बनाना होगा, फिर उसे सॉल्व करना होगा। To solve problem involving simple equations, the first task is to write the equation. सबसे पहला काम क्या होता है, हमें उस क्वेश्चन से अपनी इक्वेशंस को डिसाइड करना होता है। फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, जो भी हमें उस क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है, उससे हमें इक्वेशंस बनानी होती हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट द प्रोसीजर। चलिए अब देखते हैं कि हम इन्हें कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या गिवन है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो उसकी हाफ है उसकी लेंथ के। अब हमें लेंथ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट जो लेंथ है वो है एक्स। ठीक है, जो जो हमें कंडीशन गिवन होती है उसी से ही हमने इक्वेशन बनानी होती है। तो अब इसकी ब्रेथ जो है एक्स की हाफ है, तो हम कहेंगे हाफ क्या होता है, 1/2 ऑफ एक्स, क्योंकि वो लेंथ का हाफ है। इफ़ इट्स पैरामीटर इज 30 मीटर, अगर उसके पैरामीटर 30 मीटर हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड एरिया। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ भी निकालनी है एक्स, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्स को कैलकुलेट करते हैं, देन हम एरिया फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। पैरामीटर जो का फॉर्मूला है वो है इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने कहा था कि जो लेंथ है वो हमारी एक्स है, और जो हमारी ब्रेथ है वो उसका हाफ है, हाफ ऑफ एक्स है। तो ये लिख लिया लेंथ की जगह एक्स प्लस 1/2 एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व करना सीखा था। देखिए, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 2, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। अब 1, 2 जो होगा वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2, 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 2। बाहर भी हमारा फार्मूला का 2 चल रहा था, अब हम इसे इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो पैरामीटर आ गया वो आ गया 3x। ठीक है, अब उन्होंने कहा था पैरामीटर जो, ये तो हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया 3x। उन्होंने हमें गिवन क्या था कि जो हमारे पैरामीटर है वो 30 है, तो पैरामीटर की हमारी वैल्यू क्या आई है 3x, और वो गिवन कर क्या था, उसकी वैल्यू जो है वो 30 है। यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 10 कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारी लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ, इसके लिए देखिए हमने कहा था 1/2 x है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1/2, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 10। तो ये देखें, इन दोनों की कटिंग होती है, 2 × 2 × 2 = 5 = 10, तो 5 × 1 = 5, तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई, 5। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी इन्होंने ये ऐसे ही कैलकुलेट किया, यहाँ पे x की वैल्यू डाली तो 2, 5, 10 को कटिंग करके 5 आ जाता है, 5 मीटर। अब देखें एरिया का क्या फार्मूला होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमने लेंथ जो आई है वो 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ब्रेथ है वो 5 मीटर है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10, 5 = 50, तो एरिया क्या आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इफ़ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर। अब हमें नंबर नहीं पता, लेट कर लेते हैं हम नंबर जो है हमारे पास है, जो नंबर है वो एक्स है। ठीक है, लेट नंबर इज एक्स। अब क्या यहाँ पे गिवन है हमारे पास, इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर, इट मींस ये हमें ये कंडीशन बता रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 40 एंड 1/4 ऑफ द नंबर। यानी दूसरी साइड पे हमें वो क्या बता रहा है कि अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इसका जो रिज़ल्ट आता है, मींस कि ये किस चीज़ की इक्वल आती है, कि अगर हम
40 में क्या चीज़ ऐड करें, सम ऑफ 40 प्लस 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर के लिए हमने क्या लेट किया था x, तो ये फाइंड द नंबर, हमने अब नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें, यही चीज़ मैंने नंबर लेट x किया था, एक साइड पे उन्होंने कहा था 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट 50 इक्वल टू सम ऑफ 40 प्लस 1/4 ऑफ अ नंबर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को एक साइड पे और बाकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आंसर आता है 12। अब ये 12 कैसे आता है मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 2 1 3 4 4 1 4 4 3 12, इस 12 को हमने एलसीएम में लिख लिया। अब 3 4 12 होता है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 4 2 8x माइनस, अब 4 के टेबल में कितनी दफ़ा जी 12 आता है, 4 3 12, तो 3 को हमने 3 1 3x। यहाँ पे क्या होगा, 40 इधर ही है, 50 को मूव किया इस साइड पे तो ये हो गया प्लस 50, 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। अब हमने क्या करना है, 8 - 3x इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस 12 को हटाना है, तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें 12 को, तो यहाँ से 12 जो मल्टीप्लाई होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दो स्टेप्स जो हैं वो मिसिंग कर दी हैं, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे 12 को, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 12, फिर हमने 5 को हटाना है, 5 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x सेपरेट, 90 मल्टीप्लाई 12 बाय 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करने 5 से, तो आंसर आ जाएगा 216। तो यही x के हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 8। अली फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही इज, यानी अली का जो बाप है उसकी जो एज है वो ट्वाइस टाइम है उसकी एज के। अभी हमें अली की भी एज नहीं पता, तो हम अली की एज के लिए क्या कर लेंगे, लेट x कर लेंगे, और उसके फादर की एज ट्वाइस टाइम x, तो 2x हो जाएगा। 20 ईयर्स अगो, यानी 20 साल पहले, अलीज फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी उसके फादर क्या थे, 7 टाइम ओल्ड थे उसकी प्रेजेंट एज से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी उनकी जो प्रेजेंट एज है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अली इज एक्स, यानी अली की एज जो हमें नहीं पता, हमने उसे कंसिडर कर लिया कि वो एक्स है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज, तो 2 टाइम उसकी एज क्या हो जाएगी अली की, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, 2x। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले क्या थी एज, द एज ऑफ अली वाज, अली की एज क्या थी, कि जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 20 ईयर्स माइनस कर दिए जाएं तो वो x माइनस 20 हो जाएगा, और इसी तरह उसके फादर को 20 ईयर्स पीछे ले जाएं तो वो क्या होगा, 2x माइनस 20। अब हमने इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 20 उसके 20 ईयर्स अगो उसके फादर की एज इक्वल टू 7 टाइम, लास्ट में हमें क्या था, 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो उसके सन की जो एज थी 20 ईयर्स अगो उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाना। फिर हम क्या करेंगे, 2x माइनस 20 एज इट इज़, यहाँ पे इस 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, 7x माइनस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 140। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे, 2x माइनस 7x इक्वल टू, इस 20 को इस साइड पे लेके आए, 20 माइनस 140 इसी साइड पे ही है, प्लस 2x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 5x, यहाँ पे देखिए प्लस 20 माइनस 140 इक्वल टू माइनस 120। अब हम क्या करेंगे, माइनस दोनों साइड पे इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, फिर 5x इक्वल टू 120। अब 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो 120 के नीचे क्या आ जाएगा, 5, और इन दोनों की कटिंग हो तो x का जो आंसर है वो आता है 24। इट मींस कि जो अली की एज है वो है 24। अब हमने उसके फादर की भी कैलकुलेट करनी है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ अली इज़ 24।
एंड दैट ऑफ हिज फादर इज, अब टू टाइम का था, ट्वाइस टाइम ऑफ हिज एज, तो 2 × 24 तो आंसर क्या आ जाएगा 48। तो उसके जो फादर की एज हो जाएगी वो होगी 48 ईयर्स।